हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फर्रुख मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं है, इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी। दिस वीडियो इज अ रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियो ऑफ द मूवी टीजर एंड मूवी नेम इज प्रेशर कुकर। पहले हम देखेंगे इस मूवी का टीजर और उसमें मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू उस मूवी और इस टीजर के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम इस मूवी का टीजर और उसमें मेरा रिएक्शन। So, why do you want to study in the US? Because my dad's dream. Kishore, koni states pehle chappu? నా చిన్నప్పటి నుండి మా నాన్న నన్ను అమెరికా కొరకు పెంచింది. ఇదేమో షికాగో, ఇలా ఉంటాడు. ఎప్పుడో పోయింది పోయిందట పోయి యూనివర్సిటీ అమెరికా కూడా అంత పెద్ద మసాలే నాకు. ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో వీడు ఏమైనా సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తే బాగుంటుంది కదా. కొన్ని ఫ్యామిలీలలో జాబ్ తెచ్చుకోరా అంటే కొందరు ఐఏఎస్ ఎలా అంటారు, మరికొందరు ఎంబీఏ చేయమంటారు. ఇవి మా మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్. ఇక నాలాంటి వాళ్ళకైతే ఎప్పుడు అమెరికా పోతాం రా అని ఒకటే ప్రశ్న. అరే మనం అనుకున్నట్టు అన్నీ అయిపోయారా? నువ్వు ఫ్లోరిడా పోతావు, మేము నిన్ను సున్నీకి ఫ్లోరిడా వస్తామా? అప్పుడు నువ్వు మమ్మల్ని పికప్ చేసుకొని నీకు ఎయిర్పోర్ట్కి వస్తుంది. అప్పుడు నీ బిఎండబ్ల్యూలు ఇద్దరు పిక్నిక్ పోర్లు వేసుకురా, ఎయిర్పోర్ట్ నుంచే పార్టీ షురూ చేద్దాం. క్యా బాత్ హై, వెరీ నైస్, గుడ్, గ్రేట్. तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का टीज़र और उसमें मेरा रिएक्शन। हम बात करेंगे आपसे इसी मूवी के हवाले से। तेलुगु लैंग्वेज मूवी है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आप इसमें ड्रामा देख सकेंगे। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है सुशील ने, और इस मूवी की जो कास्ट में शामिल है वो हैं साई, रौनक, प्रीति, अस, रानी, तनिकिला, वारानी, केश देव, दीपक वगैरह शामिल हैं। अब हम बात करेंगे आपसे इस मूवी के टीज़र के हवाले से, जो कि एक इंटरेस्टिंग सा था, शॉर्ट सा था, क्यूट स्यूट सा था, और काफ़ी अच्छे अंदाज के साथ पेश किया गया है। मूवी की स्टोरी काफ़ी दिल को छूने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक तरह से आप कह लें, जो कि आजकल न्यू जनरेशन को बचपन से ही, आजकल की जनरेशन जो है उनको ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं स्ट्रिक्ट हो गए, तो वो यही चाहते हैं कि हर चीज़ जो है ना वो अपनी मर्जी से हो। वो बंदा बच्चा उनका उठे भी बैठे भी अपनी मर्जी से, पढ़े भी अपनी मर्जी से, चले भी अपनी मर्जी से, प्यार इश्क मोहब्बत हत्ता के शादी भी अपनी मर्जी से गए, तो उससे रिलेटेड काफ़ी हद तक आपको उसमें रियलिटी हकीकत देखने को मिलेगी। हकीकत से मबनी मूवी है ये, और जैसा कि मतलब ऐसा होता है, बल्कि ऐसा होता आ रहा है, बल्कि आजकल की जनरेशन के साथ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इससे पहले भी काफ़ी सालों से चला आ रहा है, कई सदियों से चला आ रहा है इस तरह का। लेकिन अब तो फिर जो है, लेकिन अब दौर एडवांस हो गया, फास्ट हो गया, तो बच्चे बगावत पर उतर आते हैं। लेकिन फिर भी यही चीज़ होती है कि जो चीज़ चाहे पढ़ाई हो, चाहे बाहर पढ़ने जाना, या कोई भी स्टडी करनी हो, जिस चीज़ में बंदे का या बच्चे का इंटरेस्ट है, तो उस चीज़ के अंदर पेरेंट्स को चाहिए कि वो ध्यान दें, और उसी चीज़ से वो जो बच्चा है जो उनका, तो वही तरक्की कामयाबी ज़्यादा कर सकता है। बनिस्बत वो डॉक्टर बनना चाह रहा है, आप उसे इंजीनियर बना रहे हैं, वो पायलट बनना चाह रहा है तो आप उसे डॉक्टर बना रहे हैं, तो ये हो जाता है। और वो मतलब अपने शहर में, मुल्क में पढ़ना चाह रहा है, बाहर भेज रहे हैं उसे, तो फिर वो कॉन्सेंट्रेट सही से कर नहीं पाता। अगर वो बंदा पढ़ भी लेता है या फिर पेरेंट्स की मर्ज़ी के मुताबिक एक तरह से आप कह लें, तो लेकिन फिर भी उसके दिल में खालिश सी रह जाती है कि काश अगर मैं ये नहीं करता तो ऐसा होता तो वैसा होता। तो ये सारी चीज़ें जो उसको मतलब लाइफ टाइम तक मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रखती हैं। बहुत ज़्यादा हसास और सेंसिटिव किस्म की बात होती है कि जो आपका बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसको आपको चाहिए कि उसको फोकस करें, क्योंकि उसी में वो सबसे ज़्यादा तरक्की और कामयाबी कर सकता है, जो कि एक तरह से मेन इम्पॉर्टेंट बात है। मूवी में हकीकत का काफ़ी हद तक अकासी करते हुए पहलू दिखाया गया, जो कि जब आप देखेंगे तो एंजॉय कर सकेंगे। सिनेमेटोग्राफी भी बेहद कमाल की है, स्क्रीन प्ले भी
और जिस हिसाब से टीजर दिखाया गया है मतलब क्यूट स्यूट सा भी था और मतलब अट्रैक्टिव था काफ़ी, और जब आप इस मूवी को देखेंगे तो मज़ा आएगा और आपको बहुत कुछ देखने को जानने को मिलेगा। और बहुत अच्छे तरीके के साथ काम किया गया, एक्टिंग भी काफ़ी काम की, मतलब काम के साथ साथ जो है परफॉर्मेंस वाली है बेहतरीन किस्म की, जो कि जब आप देखेंगे तो मज़ा आएगा, इस मूवी को एंजॉय कर सकेंगे। अभी तो ट्रेलर जब रिलीज़ होगा तो उसमें और ज़्यादा इस मूवी के और पहलू दिखाए जाएंगे, लेकिन अभी भी इसमें जो चीज़ीदा खासूसियात दिखाई गई हैं मूवी की काफ़ी ज़बरदस्त थी, यानी कि आप कह लें मूवी की स्टोरी को थोड़ा सा आप कह लें एक्सप्लेन करके थोड़ा सा दिखाया गया, जो कि बहुत ज़्यादा पुरकशिश किस्म का टीज़र लगा मुझे, तो मज़ा आया, बेहतरीन था और अच्छा सब्जेक्ट है काफ़ी ना, जो कि जब आप देखेंगे तो इन्जॉय कर सकेंगे। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का टीज़र और उसमें मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू उस मूवी और इस टीज़र के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।